अध्याय एक। कक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिढ़ाते कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। रमेश चंद्र शाह। नाम ही नाम। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तुम्हारे कितने नाम, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। प्यार वाला नाम, दो नाम आपको यहाँ लिखने हैं। चिढ़ाने वाला नाम, दो नाम आपको यहाँ लिखने हैं। दोस्तों का दिया नाम, वो आपको यहाँ लिखने हैं। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। गप्पू, गप्पू नाम से क्यों बुलाया जाता होगा। भोली, उस नाम से क्यों बुलाया जाता होगा। चुटकी, उस नाम से क्यों बुलाया जाता होगा। और गोलू, उस नाम से क्यों बुलाया जाता होगा। जैसे कि भोली से हमें पता चल रहा है कि इंसान भोला भाला है, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि इंसान भोला भाला है इसलिए उसे भोली बुलाया जाता है। छुटकी क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि वो छोटी होती है इसलिए उसे छुटकी बुलाते हैं। ऐसे ही आपको गप्पू और गोलू का लिखना है। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली। भक्कू है। आप अपने कौन से दोस्त या सहेली को भक्कू कहोगे। झक्कू है। किसको आप झक्कू कहोगे। गप्पू है। किसको आप गप्पू कहोगे। अब कविता का समय। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा न भाए, चिड़ियों के संग गाना गाए, संग मोर के डैश, इसलिए तो कभी कभी हम कहते उसको कक्कू। कक्कू कैसा है, कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है। लिखो। नामों की रेल। पांच पांच बच्चों की टोली बना लो। अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। तो जैसे यहाँ पांच पांच बच्चों की टोली है, दो दो बच्चे खड़े हैं। जैसे यहाँ राजू है, आपको यहाँ चार नाम और लिखने हैं। वर्णमाला याद है ना। चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। जो भी आपने चार नाम और लिखे हैं तो उन्हें वर्णमाला के अनुसार आपको क्रम में लगाना है। जैसे कि अगर मैं लिख देता काकू, तो सबसे पहले का आता है तो आ जाएगा यहाँ पे काकू। ठीक है, इसी हिसाब से आपको सारे करने हैं। चिढ़ाना। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है, तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। गेंद का मन। मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गेंद की यह बात समझ में नहीं आती। राजेंद्र दौड़ पकड़। राजेंद्र दौड़ पकड़। तो यह हमारा अध्याय एक कक्कू पूरा हो गया है, रिमझिम किताब का, कक्षा 3 का। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे और बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। बाकी बने रहिए मेरे चैनल पे NCERT हिंदी ट्यूटर और भी नई वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।